हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वन प्लस बुलेट वायरलेस G2 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ था करीब एक साल पहले, एंड मैंने फर्स्ट डे सेल पे ही वन प्लस के स्टोर से इसको परचेस किया था। एंड उस वक्त ये सिर्फ ब्लैक कलर वेरिएंट पे ही लॉन्च हुआ था, बाद में ब्लू कलर वेरिएंट आया एंड देन रेड कलर का भी लॉन्च किया गया, जिसमें वायर जो है वो रेड कलर का मिलता था। तो स्टार्टिंग में मैंने ब्लैक कलर परचेस किया था, उसके बाद रेड कलर भी मैंने परचेस किया था, वीडियो दिया था चैनल पे। एंड रिसेंटली एक और कलर वेरिएंट लॉन्च हुआ है जैज ग्रीन कलर का, एंड ये जो कलर है वो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको परचेस करके आप लोगों को इसका कलर कैसा लगता है प्रैक्टिकल लाइफ पे वो दिखाया जाए। एक साल में 3 बार इस बुलेट G2 को परचेस करने के बाद मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आप आज के टाइम पे वन प्लस बुलेट G2 को परचेस करना चाहते हैं तो आप डिसाइड कर पाए कि क्या आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इस वन प्लस बुलेट G2 जैज ग्रीन कलर का। तो गाइस, मैंने इसको अमेजन से ऑर्डर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एंड चलिए इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये है बिल, चलिए रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर बॉक्स का डिजाइन अगर आप देखेंगे तो सिमिलर देखने को मिलता है ब्लैक एडिशन के साथ, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे। पीछे के साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैज ग्रीन मेंशन किया गया है, सील को ओपन करने का जरूरत नहीं, यहाँ पर आप इस तरह से खोल सकते हैं। बाकी अगर बॉक्स कंटेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड में अलग से एक सेक्शन मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, काफी मोटा सा मैनुअल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। साथ में आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर यूएसबी टाइप ए टू सी का एक केबल मिल जाता है, चार्जिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको रेड क्लब केबल का एक कार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड चलिए इन सारी चीज़ों को हटाते हैं साइड में, तो फाइनली देख सकते हैं नेक बैंड का डिज़ाइन आपको कैसा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइड में आपको एक ग्रे जैसा यहाँ पर कलर दिया गया, एंड इसके अंदर यहाँ पर लाइम कलर का एनसेंट का यूज़ किया गया। इस साइड में आपको वन प्लस का लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया गया वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो वेयर का हिस्सा वो आपको लाइम ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, बाकी पूरा जो ईयरबड्स है एंड यहाँ पर जो नेक बैंड का पीछे का हिस्सा है वो आपको ग्रे टाइप के कलर का देखने को मिल जाता है। ये जो कलर है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी सा लुक देता है, एंड अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो डेफिनेटली ये जो कलर है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कह दूं कि इसका डिटेल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो इसीलिए वही बात को फिर से रिपीट इस वीडियो में नहीं करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन से जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा एक बार इसको परचेस करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हमने आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट किया था, साथ ही गेमिंग टेस्ट या फिर छोटी छोटी चीज़ों को हमने और भी डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो डेफिनेटली वीडियो का एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंडिया में जितना भी नेक बैंड सेल होता है उसमें 13% का कब्जा है वन प्लस का, और वो भी सिर्फ इसी एक नेक बैंड का चलते, तो आप समझ सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा डिमांड है इसका। अगर आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजन में मिला के देखेंगे तो करीब 6.5 लाख से ऊपर आपको रेटिंग मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली कितने लोगों ने इसको परचेस किए होंगे। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग नेक बैंड है ये वन प्लस G2। इवन मैंने खुद इसको 3 बार परचेस किया है, बिकॉज हम लोगों का क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं उसके बाद अगर हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट हमें फिर से जरूरत नहीं है तो हम उसको दोस्तों में या फिर जान पहचान में रीसेल कर देते हैं। एंड दोस्त लोग जब भी घर में आते हैं बाकी प्रोडक्ट के साथ वन प्लस के नेक बैंड को देखता है तो भाई वन प्लस वाला ही उठा के लेके चला जाता है, एंड हमें अगर फिर से जरूरत पड़ता है तो भाई फिर से परचेस करना पड़ता है। तो इसी कारण से मुझे 3 बार परचेस करना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं मतलब डिमांड है, इसीलिए तो हम परचेस कर रहे हैं ना 3 बार, अदरवाइज तो परचेस नहीं करते अगर डिमांड नहीं रहता। एंड इसीलिए नया नया कलर वेरिएंट भी वन प्लस लॉन्च कर रहा है। तो अभी आपके पास 4 अलग अलग कलर वेरिएंट अवेलेबल है, जो भी कलर आपको पसंद है, जो भी कलर आपके पर्सनालिटी को सूट करता है आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं भाई 100% अगर आपको क्लासिक वाला लुक नहीं चाहिए तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि इस कलर के साथ जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मुझे अमेजिंग कलर लगा। एंड बाकी अगर आप साइड बाय साइड अलग कलर के साथ इसको देखेंगे तो आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सारा कुछ आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि जब मैंने इसका एक साल पहले रिव्यू किया था उस वक्त इसका प्राइस था 1999 रुपीज, आज भी रेगुलर प्राइस तो 1999 रुपीज ही है, बट आजकल जब भी कोई सेल आता है तो इसका जो प्राइस है वो काफी डाउन हो जाता है, 1599 रुपीज में भी आप इसको परचेस कर सकते हैं सेल के टाइम पे। इवन आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे 1699 रुपीज में अवेलेबल है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों साइड पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि ये जो
कलर वेरियंट है, वो दोनों साइड में ही 1799 रुपीज में मिल रहा है। एंड अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं इस वन प्लस बुलेट जी टू के साथ, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अंडर 2000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है। अगर आप देखेंगे तो साइड के मॉड्यूल के ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में जॉइंट पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही जो वायर है वो आपको काफी थिक मिल जाता है। एंड इसमें आपको IP55 का रेटिंग भी मिल जाता है, तो हल्का फुल्का पानी स्वेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही इसका जो एयर प्लग है वो भाई मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर आप कंटिन्यूसली 6-7-8 घंटा यूज करना चाहते हैं तो इस एयर प्लग से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है कंफर्ट के मामले में जब भी मैं इस नेक बैंड को यूज करता हूं। एंड इसीलिए वन प्लस ने इस एयर प्लग के डिजाइन को कंटिन्यू रखा है। चाहे आप किसी भी उनका नेक बैंड देख लीजिए या फिर वायर्ड एयरफोन वगैरह को देख लीजिए, तो डिजाइन आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मिल जाता है। साथ ही बैटरी बैकअप भी आपको कमाल का मिल जाता है, आप सिंगल चार्ज में 27-28 आवर्स के आसपास इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फंक्शन मिल जाता है, जैसे आप दोनों एयर प्लग को अलग करते हैं तो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, एंड जैसे आप फिर से एक साथ में रख देंगे तो आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड फाइनली अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में, तो 2000 रुपए प्राइस के हिसाब से जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त मैंने वीडियो में कहा था कि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 200 रुपए कम होता तो भाई बहुत अच्छा हो सकता था। एंड आज के डेट पे ये उसी प्राइस में अवेलेबल है, इवन उससे कम प्राइस में भी ये नेकबैंड अवेलेबल है। तो उस प्राइस को देखते हुए अगर 1600-1700-1800 रुपए के अंदर आप परचेस करते हैं तो कमाल का साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेस का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, साथ ही जो ट्रबल्स है, जो वोकल्स है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। हाँ, जो बेस है वो आपको थोड़ा सा मिलता है, बट इंडियन यूजर को भाई बेस ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली बेस का क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि 1600 से 1800 रुपये प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको वन प्लस का लोगो मिल जाता है, एंड ये लोगो ही बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी होता है इस नेकबैंड को चूज करने के लिए। एंड ये लॉन्च होने के बाद से मैंने जितना भी टॉप 5 नेकबैंड अंडर 2000 का वीडियो किया है, हमेशा मैंने इसको टॉप 5 के अंदर रखा है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड नेकबैंड है जिसको आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। एंड 1600 से 1800 रुपए के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये एक बेस्ट नेकबैंड है, बिकॉज यहाँ पर आपको कॉलिंग के साथ साथ बैटरी बैकअप या फिर साउंड क्वालिटी या फिर बिल्ड क्वालिटी एंड साथ ही कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट आपको किसी भी अदर नेकबैंड में नहीं मिलेगा। किसी में आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिलेगा तो कॉल क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर सारा चीजें आपको काफी बैलेंस मिल जाता है, तो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। एंड ये जो चार अलग अलग कलर वेरिएंट में ये नेकबैंड अवेलेबल है, इसमें से आपको सबसे बेस्ट कलर कौन सा लगता है? एंड अगर आप ऑलरेडी इस नेकबैंड को यूज करें तो आप कौन से कलर के साथ इसको यूज करें, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मैं अगर पर्सनली बात करूं तो ये जो कलर है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा है, बिकॉज ये जो लाइम ग्रीन कलर है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर में से आता है। एंड हमेशा मैं इस कलर के साथ चीजें परचेस करना प्रीफर करता हूं, तो इसलिए ये कलर मेरा सबसे फेवरेट है इन चारों में से। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट पैंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सभी अलग अलग कलर वेरिएंट का सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था। इस तरह का अलग अलग कलर वेरिएंट के साथ जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हम अक्सर उसका वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे पहले मैंने ओप्पो इनको बड्स 2 का भी एक कलर वेरिएंट में लॉन्च होता है, उसका भी वीडियो आप लोगों को दिया था। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट को आगे भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।